बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं आपकी एक्टिव इंग्लिश की टीचर हूँ। आज मैं आपको 21 अगस्त का काम बताऊँगी। सबसे पहले आपने रेडी करना है मेरी तरह जैसा मैंने किया हुआ है। ट्यूसडे लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, 25 अगस्त कोमा 2020 के बाद फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद अपने दरमियान में लिखना है लाइन के रिवीजन होमवर्क है आपका बुक पेज 49, 43 से 46 तक। आपके 3 वर्ड्स हैं जो वर्ब लिखती हुई है, उसमें से आपने 3 वर्ड करने हैं। सिंगुलर प्लूरल लिखेंगे, नंबरिंग देनी है। जैसे मैंने पॉइंटर से दी हुई है आपने सेंटर लाइन लगानी है, मार्जिन लाइन लगानी है। इसी तरह रेडी करके आपने सिंगुलर प्लूरल लिखने हैं। बेटा ये आपकी 6 to 15 है, पहले भी मैंने आपको करवाए हुए, आपने दोबारा मैं रिव्यू करवा रही हूँ। यहाँ से है नंबर 6 फ्लाई फ्लाइज FLIES मंकीज मंकी के आगे एस आएगा। इसी तरह नंबर 8 पर है जर्नी जर्नीस। नंबर 9 पर हाल्फ HALF HALVES हाल्स। नंबर 10 पर है आंट आंट्स एस का सिर्फ क्या है एस का यहाँ पर ऐड किया हुआ है। नंबर 11 पर है डेजी डेजीज वाई की जगह क्या गया IES डेजीज वाइफ वाइव्स WIVES। नंबर 13 पर है वुल्फ वुल्फ वुल्व्स एफ की जगह VES है। नंबर 14 पर है गोल्फ गोल्फ्स। नंबर 15 गोस गीज GEESE यहाँ पर है GOOSE। बेटा यहाँ से यहाँ तक आपने करने हैं। इसके बाद आपके हैं मेल फीमेल, ये भी 6 to 15 है। नंबर 6 पर है आपका हॉर्स घोड़ा मेयर घोड़ी यानी कि मेल फीमेल जैसे लड़का लड़की ऐसे MARE। नंबर 7 पर है प्रिंस प्रिंसेस प्रिंस लिखकर डबल एस का इजाफा किया हुआ यहाँ पर। नंबर 8 पर है टाइगर, इसका फीमेल है टाइग्रेस TIGRESS टाइग्रेस। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं टाइगर लिखकर एस डबल एस लिखते हैं तो आपका गलत होगा। इस तरह बेटा नंबर 9 पर है आपका ऑथर ऑथरेस ऑथर लिखकर EESS। नंबर 10 पर है ग्रूम ब्राइट यानी कि दूल्हा दुल्हन GROOMBRIDE ब्राइट। नंबर 11 पर है ही गोट, ही के बाद डैश है छोटी सी, इसका फीमेल है शी गोट बकरा बकरी। नंबर 12 पर है मोंक, मोंक कहते हैं जोगी को MON के मोंक। नन NUN नन जोगन जोगी जोगन मोंक नन। नंबर 13 पर है आपका जियो JEW यहूदी यहूदी को कहते हैं जियो, इसका फीमेल है JUSES। नंबर 14 पर आपका जेंडर जेंडर गोस यानी कि ये बतख होती है उसके नर को कहते हैं जेंडर और फीमेल जो है उसको कहते हैं गोस। नंबर 15 पर आपका ड्रैग डक DRA के ड्रैग DUC के डक। बेटा इसके बाद है आपके वर्ड्स ऑपोजिट्स, ये भी आपके 6 to 15 है सेकंड टर्म में। नंबर 16 है यानी कि अल्फाज उलट ऑपोजिट्स। नंबर 16 पर है सिक्स पर है असलीप सोना AWAKE अवेक जागना। नंबर 7 एविल AVIL यानी कि शैतान या बुराई गुड अच्छाई अच्छा। नंबर 8 लेस कम मोर ज़्यादा। नंबर 9 पर है पुश, इसका ऑपोजिट है पुल PULL। इसके बाद है नंबर 10 पर पोलाइट नरमी से आराम से रूड मीन गुस्ताखी से या गुस्से से RUDE रूड। नंबर 11 पर है जेनरस JENEROUS जेनरस कहते हैं सखी को, इसका उलट क्या होगा कंजूस माइजर MISER माइजर। नंबर 12 पर है प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन हाजिर, उसका ऑपोजिट है एबसेंट ABSENT एबसेंट ऑपोजिट क्या है या गैर हाजिर प्रेजेंट एबसेंट। नंबर 13 पर है डेंजरस खतरनाक सेफ महफूज। नंबर 14 ऑलवेज हमेशा नेवर कभी नहीं। नंबर 15 है लास्ट है आपका लॉन्ग लंबा शॉर्ट छोटा। बेटा यहाँ तक करके आपने मुझे वीडियो बनाकर सेंड करनी है और नीट राइटिंग में आप काम करेंगे।